आंखों वाला ये हैंडसम लड़का तो आपको जरूर याद होगा। एक साल पहले सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद इस हैंडसम चाय वाले की किस्मत पलटी और ये रातों रात स्टार बन गया। इसे किस्मत ही कहेंगे, जो लड़का कल तक चाय बेचता था वो रातों रात मॉडल बन गया। लेकिन अब इसी लड़के पर पूरे पाकिस्तान को धोखा देने का आरोप लग रहा है। पाकिस्तान में इस हैंडसम चाय वाले पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार सोशल मीडिया पर हैंडसम पाकिस्तानी चाय वाले के नाम से वायरल होने वाला ये लड़का असल में पाकिस्तानी है ही नहीं बल्कि अफगानिस्तानी है। कैसे हुआ खुलासा? पाकिस्तान के नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के अनुसार अरशद खान नाम के इस लड़के ने सेलिब्रिटी बनने के बाद फर्जी दस्तावेजों के सहारे पाकिस्तानी CNIC के लिए आवेदन किया था। अरशद खान को इस साल जून में CNIC मिला है। अरशद ने पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए भी आवेदन दिया था। पासपोर्ट ऑफिस ने अरशद के दस्तावेजों की जांच शुरू की तो उसके अफगानिस्तान से होने की बात सामने आई। हालांकि अरशद ने सेलिब्रिटी होने का फायदा उठाकर पासपोर्ट हासिल कर लिया, लेकिन इस बीच वो नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की नजरों में आ गया। NADRDA के सूत्रों के मुताबिक अरशद और उनका परिवार अफगानिस्तान के कंधार से है। उन्होंने पाकिस्तानी दस्तावेज हथियाने के मकसद से खुद को मूसा खेल का निवासी बताया था। अरशद ने खुद को अपने माता पिता की इकलौती संतान भी बताया था। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के उच्चायुक्त डॉक्टर उमर जखीरवाल ने भी ट्विटर के जरिए अरशद के अफगानिस्तान से होने की बात की पुष्टि की है। अरशद ने खुद को बताया पाकिस्तानी। वहीं अरशद खान का कहना है कि वो पाकिस्तानी हैं। एक पाकिस्तानी चैनल से बात करते हुए अरशद ने कहा कि उनके पिता 1984 में ही सऊदी अरब चले गए थे और वहाँ 13 साल काम करने के बाद पाकिस्तान लौटे, लेकिन अपने बचाव में वो कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाया। फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में अरशद खान। अरशद खान को लेकर NADRDA के खुलासे के बाद वो एक बार फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं। कई लोग कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का हो या अफगानिस्तान का, ही इज स्टिल हैंडसम। NMF न्यूज की रिपोर्ट।